फाइनली हम लोग ऑन द वे हैं और हम लोग जा रहे हैं स्काईडाइविंग करने दुबई। तो ये अंडर एज है पर फिर भी हम लोग इसको लेके आ रहे रिस्क लेने। अगर वहाँ पे अलाउ किए तो इस अंडर एज को भी स्काईडाइविंग कराएंगे हम लोग, नहीं तो खाली मैं करूँगा। क्या बोलते भाई, वापस क्यों आ गए यार हम लोग? फॉग है, देखते हैं अभी तो फिलहाल बंद है, 3 बजे तक देखते हैं कि वापस चालू होगा या नहीं। तो जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं या तो शॉपिंग वॉपिंग करते हैं और 3 बजे वापस आएंगे। और यहाँ पे प्लान फ्लॉप होता हुआ स्काई डाइविंग का, बाहर फॉग के वजह से। हाँ 3 बजे वापस जाएंगे, 3 बजे आप वापिस जा रहे हो, ठीक है चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैफ़ल हाल शॉट देते बिल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू आर लुकिंग स्मार्ट ब्रो। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आए यहाँ पे स्काई डाइविंग करने के लिए पर पूरा खाली खाली लग रहा है। ओपन हो गया देखते हैं अभी तो मैं रेडी हो गया हूँ, एज यूजुअल सबसे पहले रेडी हो गया हूँ, जो आया उसके साथ जाएंगे। तो सब उठ गए हैं पर देखते हैं कौन कितना टाइम लगाता है। ये देखो साधारण गिर पड़े। हाउ आर यू? सो टीम ए इज रेडी, टीम बी पीछे आ रही है। तो वैसे देखो लाइफ जैकेट पहन के अभी से रेडी है। लाइफ जैकेट नहीं है, ये बाउंसर वाली जैकेट है। तो यही से जंप मारने वाला है अभी फैसल। और पीछे है उस्मान भाई और शिव भाई। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी हैवंट येट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्काई डाइविंग करूँगा पर मैं आ गया हूँ। चलो बिस्मिल्लाह करके कूद जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो गया है? पोपट हो गया, पोपट पर पोपट हो गया। आज सुबह सुबह उठ के नींद खराब करके 1.5 घंटा सोते हैं। देखो चेहरे पे वो जो नींद खराब करके आते हैं ना, ये देखो। मैं तो सोया भी नहीं 1 मिनट भी। खराब करके आया, क्या हो गया जुनैद? जुनैद क्या हो गया? Hi everyone, this is your boy Adnaan 07। सर 2 बार 5 का हो चुका है हमारा स्काई डाइविंग के लिए, अभी वापस से जा रहे हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं कि आज कर पाते हैं कि नहीं हम लोग स्काई डाइविंग। पहले मैं आज आप लोग को हाइट दिखाना चाहता हूँ कि जो होटल में मैंने स्टे किया है यहाँ से मैं आप लोग को सिर्फ हाइट दिखाना चाहता हूँ कि कितना हाइट है। ये है 14 फ्लोर की हाइट है ये, और बुर्ज खलीफा की हाइट है ये। आज हम लोग जहाँ स्काई डाइविंग करने वाले हैं उसकी हाइट है 13,000 फीट। बहुत डर लगता है हाइट से पर कोई नहीं, डर के आगे जीत है, डर के आगे सीट है। जाएंगे ट्राई करेंगे, लाइफ ऑफ फर्स्ट टाइम एडवेंचर करना मुझे बहुत पसंद है तो मैं रिस्क लेना चाहूँ। चलते हैं स्काई डाइविंग करने, बहुत मज़ा आएगा। और आज फैसल और सिद्धू भी है, देखते हैं कौन उठ है कौन नहीं उठ है। एज यूजुअल मैं रेडी हो चुका हूँ और इसको देखो
ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है और शादान भी रेडी नहीं हुआ है, सबसे पहले ये रेडी हुए। मैंने उठाया इनको, सो रहे थे सारे, तुमको मैं उठा के कह रहा था। सो फाइनली तीसरी बार हम लोग आ चुके हैं, तो वो तीन लोग मेरे लिए बैड लगते देखते, ये दोनों मेरे लिए गुड लक है कि बैड लक है, क्योंकि मैं फैज और हसन के साथ आया तो यहाँ पे स्काई डाइविंग नहीं कर पाया। अभी देखता हूँ इन लोग के साथ भी कर पाऊंगा कि नहीं, ये तीसरी बार आ रहे हम लोग। आया था नहीं कर पाया था, मगर मेरे साथ आया तो कर लेगा। चल शादान, डर तो नहीं लगेगा? और वीडियो बनाना, सुसु कर लेना पहले। हां पता चला जो इसके साथ में कूदेगा, अगर उसमें कुछ हो गया तो मेरे पीछे रहेगा। तो सत्तू कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, पर अभी बात हो रही है। इनको कैसा फील हो रहा है? वेरी नाइस पार्टनर, पार्टनर बदल लिया तुमने। अभी रेडी हो चुके हैं हम लोग, एक्साइटेड भी है उतना ही नर्वस भी है उतना ही डरे हुए करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है ये इतना अभी कर रहे हैं? मैं डर रहा था बहुत ज्यादा, कुछ नहीं, अभी देखते हैं ऊपर क्या होता है। वीडियो और बाद में भी देखते हैं कि क्या होता है। आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मगर मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस चीज का एक्सपीरियंस ले रहा हूं और बहुत एक्साइटेड हूं गाइस। सो गाइस हम लोग बताएंगे और आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाना, आप लोग भी यहां आना और आप लोग भी शूट करना, देखते रहो करना, आप लोग डरोगे नहीं। तो देखेंगे इसके बाद का रिएक्शन क्या रहता है हम लोगों। A few moments later. So guys, जितना ज़्यादा मैं excited था, अभी जैसे जैसे time आ रहा है उतना ही ज़्यादा nervous भी हो रहा हूँ। और कुछ गलती हो गई हो, मेरी कोई बात का बुरा लग गया हो तो मुझे माफ़ कर रहा पहले से मैं सॉरी। और मेरे सभी एडी लवर्स, मेरी फैमिली, मेरे सब फ्रेंड्स को लव यू, दुआ में याद रखना। स्काईडाइविंग 3 सेकंड के लिए तो ऐसे लगा कि हम लोग की मौत हो गई, 3 सेकंड के बाद थोड़ा जान में जाना ही, फिर पैराशूट खुलने के बाद तो फिर एकदम ही रिलैक्स हो गए। इसको देखो पानी पी रहे हैं। जो मेरे साथ गया था बहुत डर गया था, इसके लिए मेरे को उसकी जान बचाना पड़ा, फट गया तो पानी पी रहा हूं। और शादान, शादान का मुंह पूरा सूज गया था, क्या हुआ शादान? देखो तो बहुत ज्यादा डर गया था, जैसे 3 सेकंड के लिए ऐसा लग गया कि मैं तो गया। सबको सबका सीन छोटा और नाक से हवा जा रही थी तो भीजे पे लग रही थी।